महाराष्ट्र में मुकेश अंबानी के घर के बाहर कोटक से भरी स्कॉर्पियो मिलने के मामले में सियासत शुरू हो गई है। उधर सरकार अब चारों तरफ से घिरी है। मुंबई पुलिस का एक अधिकारी इस मामले में पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। वहीं अब संदेह मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह पर भी है। अब इस मामले में बीजेपी के बाद मनसे भी कूद गई है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने महाविकास अघाड़ी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। राज ठाकरे ने एंटीलिया मामले में केंद्र सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग कर डाली है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार सच को छिपा रही है। ठाकरे ने कहा कि विस्फोटकों का मामला केवल परमबीर सिंह और सचिन वाजे का ही नहीं है। पुलिस का विस्फोटकों को रखना या ऐसा करने के लिए कहा जाना छोटी बात नहीं है। मनसे प्रमुख ने कहा कि केंद्र को मामले में सच का पता लगाने में मदद करनी चाहिए। उन बुनियादी सवालों का जवाब मिलना चाहिए कि विस्फोटकों से भरी कार किसने खड़ी की और किसके निर्देशों पर ये किया गया। उन्होंने ठाकरे सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कहीं ऐसा न हो कि सुशांत मामले की तरह इसको भी दबा दिया जाए। ठाकरे ने कहा कि इसकी गुंजाइश ना के बराबर है कि सचिन वाजे बिना किसी के कहे अंबानी के घर के पास विस्फोटकों से भरा वाहन खड़ा कर दें। उन्होंने पूछा कि राज्य सरकार ने अभी तक ये स्पष्ट क्यों नहीं किया है कि परमबीर सिंह को क्यों हटाया गया। आपको बता दें कि वाजे इस वक्त एनआईए की गिरफ्त में है और इस हाई प्रोफाइल मामले में राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख भी फंसे हुए हैं, लेकिन शिवसेना और सीएम उद्धव ठाकरे अभी तक खामोश है। ना ही अनिल देशमुख पर कार्रवाई की गई है और ना ही अभी तक ये साफ किया गया है कि परमबीर सिंह को क्यों हटाया गया। ऐसे में महाविकास अघाड़ी सरकार पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर सरकार किस बड़ी मछली को बचाने की कोशिश में है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।